नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विकास दुबे की गिरफ्तारी पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, न्यायिक प्रक्रिया के तहत विकास दुबे पर होगी कड़ी कार्यवाही। विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाया जाएगा। विकास दुबे के बाकी फरार साथियों पर भी जल्दी कसा जाएगा शिकंजा। विकास दुबे के हाथ से फिसलने पर बोले एडीजी प्रशांत कुमार, पूरे देश की पुलिस एक है, हम एमपी पुलिस अलग नहीं, इसको असफलता या सफलता से नहीं देखा जाएगा। लखनऊ संवाददाता सिराज हैदर की रिपोर्ट। बचे हुए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक तो उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर लेते और जब तक उनको हम सजा नहीं देते। ये कब तक यूपी पुलिस की कस्टडी में आ पाएगा? ये चीज़ें जो काल की बातें हैं जो अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हम जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को अपने केस में रिमांड पे लेके या गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे मध्य प्रदेश से आ रहा था कि मध्य प्रदेश उज्जैन से उसको भोपाल लाया जाएगा, भोपाल से फिर यूपी लाया जाएगा, क्या भोपाल से उसको लखनऊ लाने की बात हो रही है कि लखनऊ में पेश करेंगे? क्योंकि वहाँ पे कानपुर में उसके अपने तमाम उसका तंत्र है, तमाम उसका नेटवर्क है। ये सब चीज़ें जैसा मैंने बताया, ये सब काल्पनिक जो एक नॉर्मल अपराधी की गिरफ्तारी पे की प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको हम अमल में लाएंगे। सर, आपको मना है कि आप नहीं पकड़ पाए? हमारी सभी जगह की पुलिस एक ही है, चाहे वो यहाँ बहुत सारे अपराधी जो दूसरे प्रदेशों के होते हैं, हम लोग भी पकड़ते हैं।